भारतीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि होने से पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड अवस्थित भारत नेपाल सीमा पर बैठे तस्करों की इन दिनों चांदी कट रही है। भारत में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल की कीमत 128 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 111 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर है। 128 रुपये 60 पैसे नेपाल मुद्रा का भारतीय मुद्रा में 80 रुपये 37 पैसा होता है। वहीं 111 रुपये 60 पैसे का भारतीय मुद्रा में 69 रुपये 37 पैसा होता है। कुल मिलाकर दोनों मुद्रा को देखें तो पेट्रोल और डीजल की खरीद पर भारतीय बाजार के बनिस्पत नेपाल के बाजार में 28 रुपये प्रति दोनों पेट्रोलियम पदार्थ सस्ता बिक रहा है, जिसके कारण भारतीय क्षेत्र के तस्कर और नेपाल क्षेत्र के तस्कर मोटरसाइकिल और साइकिल में बड़े पैमाने पर अपने साइकिल पर सवार करके डीजल और पेट्रोल भारतीय बाजार में बेचते हैं। भारतीय क्षेत्र के वाहन चालकों नेपाल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम पदार्थ लेने को विवश हैं। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दिखावे के लिए कभी कभार पैसे लोगों को पकड़ लिया जाता है और उनके सामानों को सीज कर लिया जाता है जो बिना नजराना के भारत में काम करते हैं। फिलहाल पेट्रोल पंप मालिक का हालत काफी खस्ता हो चुका है। किसानों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की दाम कम करें, जिससे कि किसान अपना खेती बाड़ी आसानी से कर सके। वहीं जाप नेता अभिजीत सिंह ने वर्तमान सरकार को निरंकुश। अच्छा, यहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है बता सकते हैं? 108 रुपये प्रति लीटर है। अच्छा, हाँ। कितना दिनों से है ये पेट्रोल की कीमत? ये तो रोज हम देख रहे हैं, दिन पर दिन जो है इसका रेट बढ़ते ही जा रहा है। मतलब जब भी हम आते हैं हर दो दिन एक दिन पे आते हैं, ये रेट जो है दिन पर दिन उड़ापा ही करते जा रहा है। अच्छा, इस पेट्रोल डीजल की महंगाई का जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जो भी गवर्नमेंट होता है जिम्मेदारी तो उन्हीं को लेनी होती है। अब जैसे घर का मुखिया है तो जिस टाइम खराबी हुआ वो अलग था, लेकिन जब अभी मुखिया जो है जैसे या प्रधान अगर जिसको बनाया गया है तो उन्हीं पे जिम्मेदारी आता है। अच्छा, अभी अगर जो है माननीय नरेंद्र मोदी अगर जो है प्रधानमंत्री चाहे तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा, इसमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो आपका है, जिसको आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनसे क्या चाहते हैं आप लोग ये डीजल पेट्रोल की महंगाई को? हम यही चाहते हैं, क्या अपील करना चाहिएगा आप लोग? हम यही चाहेंगे कि जो है वो केंद्र में जो है इस चीज को जो है रखे कि जो है मान ले रहे हैं कि जो अमीर लोग है अब वो लोग तो हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हैं, जनता का पैसा का खाते हैं, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जनता जो है मेहनत से और पसीना से कमा कर जो है बाइक चला रहा है या कार चला रहा है भाई सबे, अब जैसे कोई नौकरी करता है प्राइवेट है सरकारी है बहुत सारा संस्था में, तो सरकारी गवर्नमेंट वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका सैलरी जो है हमेशा मिल रहा है। और ये कोरोना वायरस के बाद जो है जो प्राइवेट में जो है जिस लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, अब जो लोग 8,000 7,000 5,000 10,000 12,000 का मंथली कमा रहे हैं वो लोग कहाँ पे कर पाएंगे 108 रुपये प्रति लीटर? डीजल और पेट्रोल और गैस की महंगाई की बात जो हो रही है, जो चर्चा हो रही है, गैस या डीजल या पेट्रोल के ऊपर आज की डेट में सरकार जो है वो 68% टैक्स ले रही है। आज कहती है कि कोरोना का सुई जो है वो मुफ्त में है, लेकिन मैं कहता हूं कि 500 रुपए का पेट्रोल खरीदने के बाद 380 रुपए का मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को। आज जो स्थिति है इस देश की, आज जो अभी समय है ये किसानी का समय होता, धान रोपनी का समय होता, और अभी अगर मैं जहां हूं जो जिस विधानसभा से मैं आता हूं ये बॉर्डर का एरिया, यहां नेपाल से सस्ता डीजल जो है यहाँ स्मगल किया जा रहा है और उसको यहाँ के किसानों से महंगे दामों में बेचा जा रहा है। इसमें सरकार की भी मिलीभगत है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी मिलीभगत है। जिस प्रकार से बिहार में शराब माफियाओं का राज चल रहा है, उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में तेल माफियाओं का भी राज चल रहा है। वो डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग कर रहे हैं और सरकार अपनी आंख मूंद करके चुपचाप बैठी हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो 19 रुपए का एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 38 रुपए करने का काम किया है, उस एक्साइज ड्यूटी को खत्म करें, जीएसटी के अंतर्गत इसको लाए, पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है उसको कम किया जाए। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन, पता डीडीसी आवास के पीछे नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www